गुरुजी को कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो गुरुजी ने बुलाया मेरे को, बोले भाई डॉक्टर क्या डॉक्टरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कहा नहीं गुरुजी, तो मेरी वाइफ स्वीटी को बुलाया गुरुजी ने, बोला भाई नहीं तेरी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा सिजेरियन होगा, क्योंकि तुम डॉक्टर दूसरों का पेट काटते हो और उनसे पैसे कमाते हो, तो तुम खुद भी तो फील करो कि क्या होता है ये सब। तो मेरी वाइफ रोने लगी, तो गुरुजी मैं बोले नहीं जाओ यहाँ से। तो जैसे ही थोड़ी दूर गई फिर गुरुजी ने वापस बुलाया, तो गुरुजी ने बोला कि आपके मेल मुंडा होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मेरी वाइफ एकदम पैरों पे वो हो गई और 30 जून 2000 डिलीवरी का टाइम आ गया। तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स थे साथ में डिलीवरी के टाइम में। तो जैसे ही टाइम आया तो वो डॉक्टर सीजरियन के लिए कंसेंट मांग रहे थे। मैं गुरुजी की फोटो रखता हूँ अपने पर्स में, तो मैंने गुरुजी की फोटो से बात की, मैंने कहा गुरुजी ये हमारी वाइफ का सीजरियन करने वाले हैं और आपने ब्लेस किया है कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगी, मैं तो कंसेंट तो साइन नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एज लाइक दैट मैंने बताया ना, वी यूज टू बी सरेंडर, एंड पहला स्टेप गुरुजी से कुछ भी लेने या पाने या मांगने का सरेंडर है। अंटिल अनलेस आप में इफ एंड बट चलते रहेंगे, इट इज मियर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मियर वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी एंड मियर वेस्टेज ऑफ योर एवरीथिंग। एंड वो गुरुजी कई बार कहते थे कि आदमी अपनी पात्र की पात्रता नहीं देखता। गुरुजी तो हम लोगों से डिस्कशन करते थे, बात करते थे, शेयर करते थे, हम लोग कुछ भी हम कह सकते थे, ऐसा गुरुजी का स्नेह था। तो गुरुजी कहते थे कि कोई अपना पात्रता नहीं देखता डॉक्टर साहब, कि आदमी मैं एक ग्लास में छेद कर दीजिए आप कई सारे, आप उसमें पानी कैसे रोक लेंगे, पानी रुकेगा नहीं। तो आदमी अपनी पात्रता नहीं देखता, आदमी कहता है कि मैं एक बार आया तो मेरा काम हो गया, मैं 100 बार आया तो मेरा काम नहीं हुआ। आप अपने को खंगालिए, अपने हृदय को देखिए, अपने दिल को देखिए, अपनी पात्रता को देखिए, अपने सरेंडरेंस को देखिए। विश्वास मानिए ये केवल एक जगह मैंने अपने वर्ल्ड में देखी है। मैं 1000 स्पिरिचुअल लोगों को जानता हूं, आप जिसका नाम लीजिए मैं उनके साथ बैठा हुआ हूं, इस्कॉन के चीफ के साथ, स्वामी नारायण के चीफ के साथ, आप जिसका नाम लीजिए, हम सबके साथ प्रभु की लीला और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी ने जहां बिठा रखा है उस कृपा से हम हर जगह बैठे हुए हैं। ऐसी संगत जहां रिक्शे वाले से लेके मिनिस्टर और मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हो, सबको एक भाव, एक नजर और एक समभाव से देखा जाए, ऐसा अगर कोई स्थान आपको पता है तो आप हमें बताइए। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको ऐसी ना जगह कहीं है ना मिलेगी जहां पे आपके रिलेटिव आपके रिश्तेदार छोटे पड़ जाएंगे और गुरुजी की संगत के लोग आपके काम आएंगे। और गुरुजी ने सब में जो स्नेह और प्यार महसूस किया है, आप विश्वास मानिए गुरुजी इस समय यहीं पर हैं। आप फील करिए, आप फील करिए सब, गुरुजी यहीं हैं, गुरुजी इस समय इस जगह पे हैं, विराजमान हैं। आप विश्वास के साथ इस बात को फील करिए। गुरुजी जरूरी नहीं किसी से बात करते हो, गुरुजी जरूरी नहीं किसी से कोई बात नहीं हो पाए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बैठ के चले जाते थे चुपचाप आश्रम में और उनके काम हुए हैं, फिर गुरुजी उनसे कहते थे यार मिठाई तो खिलवा दो भाई, तेरा ये काम हो गया अंकल, तूने बताया नहीं। सोचिए आप, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मिरेकल हैं कि गुरुजी ने उनको बताया। उसके बाद जो है हमारी वाइफ का ये प्रेगनेंसी हो गई, कंप्लीट हो गई और वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उसके बाद गुरुजी ने मेरे से मुश्किल से 3 महीने बाद बोला कि डॉक्टर साहब मुंडे ले लो एक और। मैं कहा गुरुजी अभी तो हम दोनों वर्किंग हैं, ये तो बड़ी समस्या की विषय है। गुरुजी बोले भाई अगर अभी नहीं लिए तुमने तो फिर तुम्हें 2 लेने पड़ेंगे, तेरे को 2 मुंडे लेने पड़ेंगे। तो मैं कहा गुरुजी हमसे मजाक करते थे कई बार, तो हमें लगा ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं गुरुजी, बट वो 8 साल बाई प्रैक्टिस में थी, मैं वीआईपी ड्यूटी में था, तो ऐसे ही निकल गया। एंड बिलीव मी 2007 को प्रेगनेंसी हुई, 26 अगस्त 2007 को बच्चे ट्विंस पैदा हुए और ट्विंस बच्चे पैदा हुए और 7 मंथ्स में हुए, मिरेकल है गुरुजी का। विश्वास मानिए हमारी मेडिकल साइंस फेल है और गंगाराम में एडमिट कराए, 7 महीने में बच्चे हुए, विश्वास मानिए एक दिन भी आईसीयू नहीं गए। एंड द चिल्ड्रन आर हियर, आई हैव ब्रॉट देम टुगेदर, यू सी द चिल्ड्रन, दे आर सो शार्प इंटेलिजेंट, एंड ये कोई शक्ति नहीं है। एकदम गुरुजी बोले भाई तुम डॉक्टर हो, मेरा अल्ट्रासाउंड कराओ आज। तो मैं जैन गाड़ी थी मेरे पास, तो बोले भाई जैन लगाओ डॉक्टर तुम गाड़ी। तो मैं एकदम परेशान सा हो गया, मैंने कहा यार गुरुजी मेरी गाड़ी में कहां बैठेंगे, मैं चित विचित सा हो गया थोड़ा। थोड़ी देर में गुरुजी पैदल आए, तो गुरुजी कभी भी, आप लोगों को शायद पता नहीं हुआ, मैंने आंखों से देखा है गुरुजी कभी भी घूमते थे तो उनके पैरों पर धूल नहीं लगती थी, मिट्टी नहीं लगती थी, ये बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हम लोगों ने मजाक में अपने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं गुरुजी के साथ, गुरुजी के जूते उतार के अपनी शर्ट पर रगड़ दिया देखने के लिए। सोचिए आप, गुरुजी ने इतना ज्यादा, गुरुजी को कुछ नहीं, एक शुद्ध आत्मा चाहिए थी, गुरुजी को कोई पैसे वाला नहीं रजा पाया, कोई कुछ नहीं रजा पाया, तो गुरुजी का मैं अल्ट्रासाउंड कराने चल दिया। मेरे मन में विचार आया कि आज तो अपने गुरुजी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं गुरुजी की बातें हम लोग सरेंडर से करते थे। मैं पहुंच गया आर्मी हॉस्पिटल, आरआर हॉस्पिटल, मेरे को लगा ये सरकारी आदमी या प्राइवेट तो बदमाश होते हैं, ये कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो आर्मी वालों के पास चलते हैं। तो वहां हमारे लिंक में लोग थे, तो हम पहुंच गए, एक और अंकल थे आर्मी के, तो गुरुजी उनसे बोले भाई तुम बात करो जल्दी से, मेरे पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करो जब तक मैं डॉक्टर साहब के साथ टहल रहा हूं। तो गुरुजी बड़ी फास्ट फास्ट चल रहे थे उस पूरे लॉन में, हाफ पैंट में शॉर्ट में। तो जैसे वो डॉक्टर आया तो उसने बोला भाई पेशेंट कौन है, तो मैंने जैसे ही लिटाया तो जैसे डॉक्टर्स की फीलिंग होती ना, बोले इसकी शर्ट हटाओ। मैं कहा मेरे गुरुजी हैं, थोड़ा आराम से बात कर लीजिए आप। तो जैसे ही गुरुजी ने शर्ट उठाने के लिए उसने बोला, गुरुजी ने बोला कि कुंडी लगाओ डॉक्टर साहब, तो जिस रूम में हम लोग थे उसमें कुंडी लगा दी मैंने। और जैसे ही गुरुजी ने, सुनने वाली बात है, जैसे ही गुरुजी ने शर्ट हटाई वो पूरा रूम फ्रेग्रेंस में आ गया। और गुरुजी उठे और गुरुजी ने बोला कि भाई तू मेरा क्या अल्ट्रासाउंड करेगा, मैं तेरा स्कैन करने आया हूं आज, तू तो अभी वाइफ से लड़ाई करके आ रहा है, तेरे 2 बच्चे हैं वो तेरी सुनते नहीं है। वो रोने लगा, तो गुरुजी बोले भाई दरवाजा खोलो, तो वो बोला कि नहीं गुरुजी दरवाजा बंद कर लीजिए, अभी हमारे सब ब्रिगेडियर सुन रहे हैं। तो गुरुजी बोले कि मैं तुम्हें ब्लेस करने आया हूं, तुम इतने भाव प्रिय हो कि हमें यहां आना पड़ा और डॉक्टर साहब को माध्यम बनाना पड़ा। गुरुजी बोले कि भाई चलते हैं वहां पे, क्या नाम है, संगत में आना तुम।
तो गुरु जी बोले भाई डॉक्टर साहब ब्लड शुगर और करा दो, कभी कभी चक्कर आ जाता है। मैं कहा गुरु जी चलते हैं, अब नहीं कराते हैं। तो उसको ब्लड शुगर वाले को बुलाया जी, तो उसने ब्लड शुगर लिया तो वो आया 28, मैं था, दूसरे डॉक्टर थे और वो, तो वो बेचारा लैब टेक्नीशियन को लगा कि ब्लड कहीं मिक्स हो गया, तो वो बेचारा बड़ी देर नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब देख के आओ क्या चक्कर है। तो वो बेचारा परेशान था लैब टेक्नीशियन, 28 ब्लड शुगर था, जो कि सर्वाइव ही नहीं करता हमारी मेडिकल साइंस में आदमी। तो वो बोला बोला जी कुछ सैंपल गिर गया था इसलिए दोबारा दे देते हैं। तो गुरुजी को प्रिक कर रहा था, दर्द अपने हो रहा था, हमने कहा यार अब हो गया गुरुजी, हो गया सब सही है बिल्कुल। गुरुजी बोले नहीं भाई ले भाई दोबारा ले सैंपल। गुरुजी को प्रिक किया उसने और वो सैंपल लेके गया, अब ब्लड शुगर आ गया 22 और हम लोग फिर घूम रहे थे। गुरुजी बोले भाई डॉक्टर आज आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, देखो ब्लड शुगर कम आ गया। मैं कहा जी आइसक्रीम खाएंगे आज, क्या नाम है, इंडिया गेट पे। दोबारा किया तो 22 आ गया। तो जो वो व्यक्ति था लैब टेक्नीशियन, उसका भाव चेंज हो गया, वो चीज उस समय वक्त और परिवेश की बात थी, और वो एकदम रोने लगा बुरी तरह। बोला जी मैं आपका ब्लड शुगर नहीं कर सकता, मैं इतना सीनियर टेक्नीशियन हूं यहाँ का आर्मी हॉस्पिटल में, मैंने अपनी जिंदगी गमा दी, मैं अपनी साइकिल से चल रहा हूं, मैंने एक रुपए की चोरी नहीं की, और मेरे से आज ये सैंपल नहीं हुआ इसका मतलब ये सैंपल हो नहीं सकता। रोने लगा, तो गुरुजी ने उसको सीने से लगा लिया। गुरुजी ने बोला कि आज के बाद तुम साइकिल से नहीं चलोगे, अब जब भी मेरे आश्रम आओगे तुम्हारे पास कार होगी और तुम्हारे दोनों बच्चे जो हैं वो एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनेगा, और आज के बाद तुम्हारी इस वक्त के बाद ये तुम्हारी चीजें सब खत्म है। और विश्वास मानिए, गुरुजी ने उसे 15 दिन बाद बुलाया था, और विश्वास मान के चलिए आप 15 दिन के पहले उसको कोई उसका पीएफ का पैसा फंसा हुआ था वो मिल गया, और उसके बाद वो कार से अपने बच्चों के साथ गुरुजी के आश्रम आया, और गुरुजी उसके बाद उसके दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और वो बेचारा जो है मतलब जब गुरुजी के आता था तो वो गुरुजी के ऐसे गिर पड़ता था, क्योंकि उसका भाव कोई नहीं समझ सकता, जो हम लोग 2-3 लोगों ने देखा था सिर्फ वो समझ सकता था। एक उमेश सहगल जी थे आईएएस दिल्ली में, तो वो चीफ सेक्रेटरी गुरुजी ना संगत से जैसे कार्ड ले लेते थे, सपोज मेरे यहाँ किसी की मैरिज है तो 100 कार्ड रखवा लेते थे गुरुजी, और लिख देते थे भाई डॉक्टर अनिल अग्रवाल डॉक्टर टू चीफ मिनिस्टर रहना या कुछ भी ऐसे, तो उसको लिख दिया चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी। तो वो आया एकदम बहुत ऑनेस्ट आदमी था, बोला जी मैं तो अभी सेक्रेटरी हूँ जी, मैं तो आऊंगा नहीं शादी में। तो जैसे सपोज 1 मई को शादी थी और 15 अप्रैल को गुरुजी ने कार्ड दिया, गुरुजी ने ऐसे कार्ड देखा बोले हाँ ये तो लिख तो गया गलत, बोले लेकिन मैं काटूंगा नहीं। तो बोला साहब मैं आऊंगा नहीं, मैं पक्का आईएएस हूं, मैं अगर ये तो मेरे कार्ड है नहीं तो मैं आऊंगा नहीं। गुरुजी बोले कोई नहीं रख लेंगे। विश्वास मानिए 30 अप्रैल को उसका प्रमोशन हो गया, 30 अप्रैल की रात में वो गुरुजी की संगत में आए, तो गुरुजी ने पहला सेंटेंस इतने दिन बाद उनसे यही किया, भाई अंकल कल आ रहे हैं ना भाई शादी में। वो उनका आदमी का आप सोचिए ये क्या है, कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये कोई बातें नहीं चल रही है कि हमने कह दिया कि इसके लड़का हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, ये कोई शक्तियां काम कर रही हैं। उन शक्तियों को अपने साथ लेना एक बड़ी ताज्जुब और उसकी बात है। वाजपेयी जी के एपीएस थे मेनन, वो आते थे उनके साथ गुरुजी साथ, तो वो उनका कोई एयर क्रैश में वो कॉलर नेक सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो सर्वाइकल कॉलर लगाते थे। तो गुरुजी ने बोला भाई डॉक्टर देखो जरा सा इसको क्या दिक्कत है। तो मैं आपके सामने क्या देखूंगा। गुरुजी बोले नहीं हाथ लगाइए इसको आप जरा ऐसे। गुरुजी किसी के माध्यम से कुछ कराते थे कई बार, तो मैंने ऐसे हाथ लगाया, गुरुजी बोले इसकी कॉलर हटा दो। मैं कहा जी गुरुजी इसको तो मैं जानता हूं 15 साल से इनको सर्वाइकल प्रॉब्लम। बोले गुरुजी हटाओ ये नाटक कर रहा है ये। और मैंने ऐसे कॉलर लेके पता नहीं गुरुजी करवा रहे थे ऐसे कॉलर गुरुजी ने फेंकी, और वो मनन साहब हिल गए रोने लगे, बोले अरे मैं तो मर जाऊंगा मेरी डॉक्टर साहब क्या करवा दिया आपने। तो गुरुजी बोले भाई उठा लो भाई उठाओ लगाओ उसे, तुम्हारी चीज है तुम उठाओ लगाओ। तो जैसे ही वो उठाने लगे तो जैसे ही बांध रहे थे तो गुरुजी ने बोला अरे भाई देखो तो जरूरत है कि नहीं, वो पहली बार आए थे मेरे साथ, तो बोले देखो तो जरूरत है कि नहीं। तो उन्होंने बाएं घुमाया दाएं घुमाया ऊपर नीचे, तो गुरुजी बोले फिर क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तो गुरुजी के साथ इसी के साथ मैं विश्राम, और गुरुजी को बहुत बहुत सबका आशीर्वाद हो, ऐसी मैं सबके लिए दिल से दुआ कर रहा हूं। और आप विश्वास मानिए जो भी आए हुए हैं आप सब कुछ ना कुछ लेके जा